Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome to GB Tech YouTube channel. आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि Google Chrome का जो हिस्ट्री है उसको कैसे चेक किया जाता है और उसको कैसे डिलीट किया जाता है. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हिस्ट्री क्या है. हिस्ट्री वो है जो हमारे पीसी में हम रोज़ का जो जितने भी काम करते हैं, या आपके पीसी में कोई और बंदा जितने भी काम किया हुआ है, जिस जिस टाइम पे इस मिनट पे इस वेबसाइट पे विज़िट किया है, ये सारा आपकी गूगल क्रोम के हिस्ट्री में जाके सेव होता है. तो उसको चेक कैसे करें कि आपके दोस्त वगैरह ने आपको लैपटॉप किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, किस किस वेबसाइट पर उसने विज़िट किया है. तो आइए शुरू करते. तो सबसे पहले आपने अपने गूगल क्रोम को ओपन करना है. ओपन करने के बाद आपने ये जो तीन डॉट नज़र आ रहा है इस पर क्लिक करना है. इस पर क्लिक करने के बाद इस पर आपको हिस्ट्री नज़र आएगा और इस पर आपने हिस्ट्री पे क्लिक करना है. उसके बाद ये देख ले 5:48 में हर मिनट के हिसाब से आपका पूरा हिस्ट्री आता है कि आपने इस टाइम पे कौन सी वेबसाइट पे विज़िट किया है, कौन सी सोशल मीडिया साइट पे विज़िट किया है. तो ये सारा आ जाता है. फिर उसके बाद इसको इसमें तकरीबन आपकी सारा हिस्ट्री होता है, जितने दिन का आप रखना चाहते हो रख सकते हो. और उसके अलावा अगर आप इसको जो है ना डिलीट कैसे करना, तो फिर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, तो उस पर क्लिक कीजिएगा. उसके बाद इधर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, लास्ट आवर का आपने डिलीट करना है, 24 आवर का डिलीट करना है, अच्छा 7 डे करना है, या ऑल टाइम का करना है. ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है. उसके बाद यहाँ एडवांस में हम चेक करते हैं, ये देख लें ब्राउजिंग हिस्ट्री 84 आइटम, डाउनलोड हिस्ट्री नन, ये सारा इसमें आपके एडवांस में होता है. अब आपने इसको क्लियर कैसे करना, तो फिर उसके बाद आप इसमें से टाइम रेंज, इसमें से जो मर्ज़ी आप सिलेक्ट कर ले, वो आपके ऊपर डिपेंड होते हैं. उसके बाद यहाँ क्लियर डेटा, उस पर क्लिक कर लें, तो ये आपका 2 सेकेंड में आपकी जो है ना सारी डेटा को, हिस्ट्री की जितनी भी हिस्ट्री की डेटा है उन सबको डिलीट कर देगा, क्लियर करेगा आपकी ब्राउजिंग को, जो हिस्ट्री का जो ब्राउज़र है उसको क्लियर करेगा. अब आप देख सकते हैं कि आपका ये जो हिस्ट्री है वो बिल्कुल खाली हो गया है. मैंने ऑल टाइम का डिलीट कर दिया था. इस तरीके से आप अपने लैपटॉप या पीसी में जो है ना गूगल क्रोम में, पीसी के गूगल क्रोम में जो है ना अपने वो हिस्ट्री को चेक भी कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं. तो आज का वीडियो बस इतना ही. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.